हे फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बालूशाही। जैसे आपको पता है, दिवाली बहुत करीब है, तो हम दिवाली के लिए स्पेशल मिठाई बनाने जा रहे हैं। बालूशाही बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है। तो बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉल में लेंगे 2 कप मैदा। इसमें हम मिलाएंगे 1 टीस्पून के आसपास बेकिंग पाउडर और ये चुटकी भर नमक। सबको हम अच्छे से मिला लेंगे, बेकिंग पाउडर, नमक और मैदा को इस तरह से आपको मिला लेना है। ये देखिए, ये हम सब मिला दिए हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच दही के और ये 1/4 कप के आसपास थोड़ा सा गरम किया हुआ घी है। अभी हम सबको अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से मिलाते हुए हमको मैदा में घी और दही को अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, इसको आपको अच्छे से मिला लेना है ताकि हम जब इसको मुट्ठी में बंद करें तो ये मुट्ठी में बंद हो जाए। ये देखिए, इसका टेक्सचर परफेक्ट हो गया है। ये देखिए, इसको हम बंद कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें गर्म पानी लेंगे। यहाँ भी हमारा पानी हल्का गर्म है। थोड़े थोड़े पानी डाल के हम एक स्मूथ सा डो बना लेंगे इसका। पानी ज़्यादा गर्म हमको नहीं चाहिए इसमें। इसको हम अच्छे से इस तरह से मिला मिला के एकदम स्मूथ डो बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा डो तैयार हो रहा है। इसको हम एकदम स्मूथ करेंगे, नीट करते हुए इस तरह से अच्छे से गूंथ लेना है। यहाँ पे हमारा ये मैदा का डो बनके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको कवर कर देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा ये डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम चले सिरप बना लेते हैं। तो कढ़ाई में डालेंगे हम 1 कप चीनी और ये 1/2 कप पानी। अच्छे से इसको मिला लेंगे। मेरा यहाँ पे सारा मेजरमेंट मैं 2 कप मैदा के हिसाब से की हूँ। आप उसका क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपको सबका क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छे से इसको मिला लेते हैं। हमको इसको अच्छे से मिलाते हुए मेल करना है। अभी हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे मैं 2 इलायची डाल रही हूँ थोड़ा सा कूट के, और ये थोड़े से केसर। ये अच्छा सा एक फ्रेग्रेंस के लिए हम इलायची डाले हैं। तो अभी हम उसको मिलाते हुए चलाते हुए सबको इसको अच्छे से कुक करेंगे ताकि हमारा चीनी जो है वो अच्छे से एकदम मेल्ट हो जाए और ये हमारा सिरप थोड़ा सा थिक हो जाए। तब तक हमको इसको पकाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा चीनी मेल्ट हो गया है एकदम और सिरप भी गाढ़ी हो गई है। हमको जिस तरह का सिरप चाहिए यहाँ पे रेडी हो गया है। तो सिरप को हम बाहर निकाल लेंगे और इसको एक बाउल में रख लेंगे। सिरप हमारा रेडी हो गया, तो चलिए डो को निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा और गूंथ लेते हैं इस तरह से। थोड़ा इसको हम और गूंथ लेंगे। फिर अभी इसको हम छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उसी साइज़ का हमको बॉल्स चाहिए। ये देखिए, हम सारे बॉल्स बना दिए हैं। अभी हम हाथ को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे घी के साथ। फिर एक इस तरह से बॉल को अच्छे से रोल कर लेंगे हाथ में, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और बीच में इस तरह से एक उंगली की सहायता से एक होल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको सारे बॉल्स को बना देना है। थोड़ा सा इसको हाथ में हम रोल करके स्मूथ करेंगे, फिर इसको हम थोड़ा सा प्रेस करके एक होल बना देंगे बीच में। इस तरह से आपको सारे बॉल्स को रेडी कर लेना है। अभी चलिए तेल गरम करते हैं डीप फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हम तेल रख दिए हैं गरम होने के लिए। हमको तेल यहाँ पे मीडियम हॉट चाहिए। यहाँ पे देखिए, हमारा तेल गरम हो चुका है जिस तरह से हमको चाहिए। तो अभी चलिए सारे बॉल्स को हम डाल लेते हैं ऑयल में। ध्यान रखिए, तेल यहाँ पे ज़्यादा गर्म हमको नहीं चाहिए। तो मीडियम फ्लेम में हमको इसे फ्राई करना है। दोनों साइड से ये गोल्डन हो जाए तब तक हमको इसको फ्राई करना है बीच बीच में चलाते हुए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़े थोड़े गोल्डन होना शुरू हो गया है और ये फटने में लगा है। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। बहुत ही सुंदर कलर आने लगा है। ये एकदम परफेक्टली हम इसको तल लिए हैं अच्छे से। अभी चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, एकदम परफेक्ट कलर भी आया है। वाह, जिस तरह से हमको चाहिए उस तरह से बन गया है। अभी गर्मा गर्म बॉल्स को हम डाल देंगे इस गर्म सिरप में। ये देखिए,
सिरप में डाल के हमको थोड़ी देर के लिए इसको इसमें डुबा के रखना है। यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए रखी हूँ डुबा के। 10 मिनट के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ये हमारा बालूशाही बनके हो गया है तैयार। उम्मीद है सबके रेसिपी मेरा पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस दिवाली में आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और ये कैसे बना मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।